अभी कुछ समय पहले ही आसाराम बापू के यौन शोषण मामले ने देश को हिलाकर रख दिया था। जिस बाबा को लोग भगवान की तरह पूछते थे, ईश्वर का रूप मानकर सर झुकाते थे, उसका असली रूप देखकर देश को सदमा ही लगा। वहीं इसके बाद बाबा धर्मपाल के मामले ने देश को हिलाकर रख दिया। इसी कड़ी में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप लगने के बाद पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाए। इससे पहले ही क्षेत्र में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। हरियाणा में तनाव का माहौल अपने चरम पर है। डेरा सच्चा सौदा के लाखों समर्थक पंचकुला में पहुंच चुके हैं। शहर में पार्क और फुटपाथों पर गुरमीत राम रहीम के समर्थकों ने अपना डेरा जमा लिया है। इसे देखते हुए सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की जा चुकी है। राज्य से लगी सीमाओं को सील कर दिया गया, साथ ही ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू है। वहीं बाबा राम रहीम के समर्थकों ने घरों में भारी मात्रा में पेट्रोल, डीजल और नुकीले हथियार जमा कर लिए हैं। ऐसे में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला बाबा राम रहीम के खिलाफ आता है तो भारी उपद्रव होने की आशंका है। उनके समर्थक सरकारी संपत्ति और वाहनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फैसला चाहे जो हो, अब जनता यही सोच रही है कि बाबा तेरा क्या होगा। स्पेशल डेस्क जनमत न्यूज़।